रामगढ़ताल में मत्स्य आखेट के लिए नामित समिति का रजिस्ट्रेशन निरस्त होने के बाद भी जीडीए के दो कर्मचारियों की मिलीभगत से मत्स्य आखेट किए जाने के विरोध में रामगढ़ताल के आसपास के सैकड़ों मत्स्य आखेट ने जीडीए कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया तथा निरस्त किए गए समिति से तत्काल मछली मारने पर रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शन की सूचना पर एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ और सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और कार्यवाही का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि कई दशकों से हम लोगों का परिवार मछली मारने का काम करता है, लेकिन फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराकर दूसरी समिति ने मत्स्य आखेट पर रोक लगा दिया है, जिससे हम लोगों का परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों और एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ ने बताया। ये वो दे दिया जाए, यही सर हमारी मांग है। हम सारे लोग बच्चों समझा के लोग हैं। कितने वो 5 साल का पट्टा हुआ अभी 31 मार्च को समाप्त दूसरे नंबर पे हम लोग की समिति मध्य जिले सरकारी सभी रामगढ़ताल भैरवा की बारी दूसरे नंबर 1959 से और हमारी समिति 1959 की है, जो जिसका ठेका था वो 2014 में बनाई हुई समिति थी। और जबकि स्पष्ट जीडीए द्वारा एक आदेश है कि जीडीए का कर्मचारी या उसके नात बात या उसका पुत्र है, ऐसा कोई जो रामगढ़ताल का टेंडर नहीं ले सकता है। जबकि नंद किशोर ये जीडीओ के कर्मचारी हैं और आदेशा में एक ही कर्मचारी हैं, उनके पुत्र ही सचिव हैं, तो फिर भी उनका ठेका ही शुरुआत से ही तो फर्जी है सर। इस पे जांच नहीं कराया गया, लेकिन उनका ठेका तो शुरुआत से ही फर्जी है। और जो चार समाप्त हो गया, अब तो समाप्त हो गया सर, लेकिन आज भी हम लोगों के पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। आज भी सर वहाँ फर्जी ढंग से अवैध शिकारमाई किया जा रहा है। और जबकि साथ साथ सर घर में घुस के मारा भी जा रहा है। हाँ सर, वहाँ जाके धमकी दे रहे थे कि तुम लोग अपना न्याय निकलवा लो, न्याय निकलवा लो भाई। वहाँ के लोग शिकारमाई करना बंद कर दिए भाई, ये जाने हम मत साकेत करवा रहे हैं। जब उनका समिति का रजिस्ट्रेशन 7 तारीख को ख़त्म हो गया तो शिकारमाई उनका बंद होना चाहिए। अब एक तरह से वो अवैध शिकारमाई करवा रहे हैं। और जो शेष अवशेष समय बचा हुआ है, हमारी समिति को दूसरे नंबर की नीलामी करता देखिए सर, स्पष्ट है फिर से नीलाम होना है सेकंड वाले भाई, सेकंड को मिलना है, ऐसा नहीं है। जब जब समय देखिए, हमारा दूसरे नंबर की समिति है और ये पहली समिति जो तारामंडल की जो निरस्त हो चुकी है, दूसरे नंबर की हमारी समिति है। नहीं अभी 31 मार्च को खत्म होगी सर, 5 हाँ जब चूंकि फर्जी समिति की वजह से निरस्त हुई थी। 7 दिसंबर को सर माता निदेशक महोदय द्वारा, डायरेक्टर लखनऊ द्वारा, उनके समिति का रजिस्ट्रेशन 7 तारीख और उसके बाद यहाँ उप निदेशक जो महोदय रविंद्र कुमार सिंह बैठते रविंद्र प्रताप सिंह जी बैठते हैं, उनको हम लोग कहे कि आप वहाँ शिकारमाई क्यों नहीं बंद करवा रहे हैं। यहाँ भी हम लोग कई बार प्रार्थना पत्र के माध्यम से सचिव महोदय को, डीसी महोदय को अवगत कराए, ये कहे भाई ये तो प्रकरण मत्स्य विभाग का है, वो जैसा कहेंगे वैसा होगा। तो हम लोग आज नहीं करवा पाएंगे तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। तीन सौ मेंबर में कम से कम 1,200 तो सब परिवार मिला के हो जाता है और सब एक साल में कम से कम 34 नंबर से आते हैं। हमारी सोसाइटी सन 1959 से हमारे बाप दादा रामगढ़ताल के भरोसे ही जीते आए हैं। हम लोग का सिर्फ एक मात्र सहारा सिर्फ रामगढ़ताल है, दूसरा कुछ नहीं है। 1959 से ही हम लोग अपनी सोसाइटी से लेते आए हैं और यही हम लोग का जीव का उपार्जन का एकमात्र साधन है। लेकिन सन 2014 में एक फर्जी सोसाइटी मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड बनी, कुछ लोग मिलकर दबंग लोग इसको फर्जी सोसाइटी बनवाएं और दबंगई के बल पर रामगढ़ताल को ले लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रयास करके उस समिति को किसी तरह खारिज कराएं, जो 7 तारीख को आर्डर हुआ हम लोग का है। उसके बाद से हम लोग सर
जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग का हो जाए। हम लोग कागज भी हम लोग के पास है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग का हो नहीं पा रहा है। दूसरे नीलामी दाता के आधार पर हम लोग का हो जाना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। जिनका समिति खत्म हो गया, अभी तक शिकारमाही कर रहे हैं, जबकि शिकारमाही पर रोक लगाने का सख्त आर्डर है, लेकिन शिकारमाही रुक नहीं रही है। शासन इस पर कमजोर पड़ रही है और जो है और 35 इस वर्ष 35 लोग हमारे गांव के शोषण द्वारा मर चुके हैं। हम लोग अब किसी लायक रह नहीं गए हैं, या तो हम लोग अब मरें या तो कुछ करें, लेकिन अब पूरा गांव भूखमरी है। देख लीजिए सबका स्थिति क्या है। मांग यही है कि हमारी जो दूसरी समिति है उसको दे दिया जाए। इनका खारिज हो गया, इनका खारिज हो गया, मछली मरवा रहे हैं, मछली जबरदस्ती मरवा रहे हैं, जबकि हम लोग का नियम के तहत, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, नियम के तहत हम लोग का है, लेकिन उसको हो नहीं रहा है। बोल दबंगई से मछली मरवाया जा रहा है, मछली मरवाया जा रहा है, खारिज हो गया, लेकिन नियम कानून से दबंगई के बल पे मारा जा रहा है मछली। ये मार्गदर्शन के प्रथम नहीं होने दिया जा रहा, अभी भी उस पर रोक लगाया गया है। और ये लाख कई गांव के लोग भूखमरी के कागार पे हैं। इनका हर चीज जो है उसी ताल से चलता था, जो इस समय नहीं चल पा रहा है, और ये इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपको मान लीजिए इनके जीविका का यही एक साधन है, तो इन लोगों से वो भी छीन लिया जाएगा तो लोग क्या करेंगे? ये लोग तो परेशान हो जाएंगे भाई। इन पे ध्यान देना चाहिए जीडीओ प्रशासन को भाई, ये लोग कहाँ जाएंगे? जो इनकी जीविका शुरू से इसी से चली आ रही है, ये लोग आज कौन सी जीविका करेंगे? ये लोग क्या करेंगे? मत्स्यजीवी सहकारी समिति रामगढ़ ताल के जो है, जो पदाधिकारी हैं, इनके सदस्य हैं, आए थे। इनका मुख्य डिमांड ये था कि रामगढ़ ताल का मत्स्य आखेट के लिए जिसको पट्टा हुआ था, उसका समिति के संबंध में इनका मत्स्य के उपनिदेशक के द्वारा इनकी समिति की वैधता के संबंध में एक आदेश पारित किए थे, और इनका ये डिमांड था कि इस पट्टे को निरस्तीकरण कार्रवाई की जाए। और द्वितीय बोली दाता के रूप में इनका आया था, तो इनका ये भी डिमांड था द्वितीय बोली दाता के रूप में चूंकि ये हैं, तो इनको जो है मार्च तक आखेट करने की अनुमति दिया जाए। तो अभी प्रारंभिक तौर पे तो ये हुआ है, जो 7 दिसंबर को उपनिदेशक का जो आदेश या पत्र जो आया था, उसके क्रम में विकास प्राधिकरण के द्वारा जिस समिति को पट्टा आवंटित किया गया था मत्स्य आखेट के लिए, उसको निरस्त कर दिया गया है। जो द्वितीय डिमांड है उसके लिए विकास प्राधिकरण से हम लोग बात करेंगे, और जो भी नियम अनुकूल कार्रवाई होगी उसको हम लोग कराएंगे, ये आश्वासन इनको दिया गया।